अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ उसामा और आप देख रहे हैं फूड बाय उसामा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी स्पेशल अंडा टिक्की की रेसिपी जो कि हमारी खुद तैयार की हुई है। सबसे पहले तो हमने भाई को सब्जियां ला के दी कि भाई इसको काट के हमारी मर्जी के मुताबिक तैयार किया जाए। तो सबसे पहले कटिंग हो जाती है शिमला मिर्च की, और उसके बाद कटिंग हो रही है मिर्चों की। उसके बाद आ जाता है प्याज। प्याज को छोटे छोटे पीसों में कटिंग करने के बाद उसके बाद बारी आ जाती है लहसुन की। फिर लहसुन के भी छोटे छोटे पीस किए जाते हैं, और फिर उसके बाद बारी आ जाती है अदरक की। जिस तरह लहसुन के छोटे छोटे पीस किए जाते हैं, अदरक के भी वैसे छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको तवे में ऑयल के बीच में फ्राई होने के लिए डाल दिया जाता है। इस तरह इसका मसाला तैयार होता है, और जो मसाले की मेकिंग है वो सारी तवे के ऊपर होती है, और उसके बाद जो छोटी मोटी कटिंग होती है वो भी तवे के ऊपर ही होती है। और इसके साथ मेरे कज़न हैं जो साथ साथ इनको गाइड कर रहे हैं कि इसके बीच में ये डालें ये डालें, देखें क्या कहते हैं। शामी कर दो तीन अंडे हो जाएंगे, जो चिकन होता है ना चिकन भी पा दो। तो जी जनाब, भाई ने सारा कुछ बता दिया कि इनको इसके बीच में ये डालें, और फिर डाली जाती है थोड़ी सी पुदीने की चटनी टेस्ट बनाने के लिए। और इसके बाद आ जाती है मायोनीज़। मायोनीज़ के बाद इसमें आ जाता है चाट मसाला। उसके बाद सारे मटेरियल को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है ताकि अंडा भी अच्छी तरह इसमें पक जाए, और बंद गोभी और मसाले मसूले जो भी पाइने डलवाए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जनाब ये तैयार हो रही है हमारी स्पेशल अंडा टिक्की। टिक्की तैयार होने के बाद बात आ जाती है अब इसकी पैकिंग की, और इसको अच्छी तरह से थर्मापोल पैकिंग के बीच में पैक किया जाता है। किन्ना बनाया चार